हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी का 1 है तो उसका मतलब क्या है, 0 है तो उसका मतलब क्या है। वीडियो लास्ट तक देखें, मेरे वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं होते और प्रॉपरली जो कॉन्सेप्ट है उसके डीप पॉइंट को भी अच्छे से समझा देते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब देखिए, बॉन्ड ऑर्डर को मैं यहाँ पर BO से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये इसका फॉर्मूला होगा 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दोस्तों आपने अभी कुछ लास्ट वीडियो देखे होंगे मेरे ही, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की पोस्टुलेट सिखाई है, फिर उसके बाद मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बताया और उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 50% होते हैं बॉन्डिंग और 50% होते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो ये बात सिंपल है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा और जो एंटी बॉन्डिंग में होंगे उनको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है और उसमें से ये देख लेना है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें आपको डाल देना है और आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये Nb-Na ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब वही है। अब देखिए, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर आपका किसी मॉलिक्यूल में वन आया तो उसका मतलब है उसमें जो एटम है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंपल सा मतलब है कि उसमें सिंगल बॉन्ड है। अगर टू आया तो डबल बॉन्ड, ठीक है, थ्री आया तो ट्रिपल बॉन्ड। अब आपको ये बात पता है तीन से ज़्यादा बॉन्ड होते नहीं हैं तो चार इस तरीके से आएगा नहीं। अब लेकिन अब जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा 3.5 भी आता है, तो वो उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें ट्रिक भी मैंने इंक्लूड की है तो आपको वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी का 0 आया तो सिंपल सी बात है वो स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर आप एक बात समझ गए हैं कि किसी में जब आपको बॉन्ड पता करने हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा तो बॉन्ड पता चल जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल दें कि ऑक्सीजन में क्या होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। जैसे हम एग्जांपल दें नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें इस तरीके से आप 3 बॉन्ड देखते हैं और उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। जैसे कि Be2 एग्जिस्ट नहीं करता, एक क्वेश्चन भी है NCERT का एक्सरसाइज का 35 नंबर क्वेश्चन, उसमें आप देख सकते हैं कि पूछा गया है कि MOT के बेस पर आप बताइए कि क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अगर आपने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया और देखा कि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, Be2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब किसी का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आ रहा है, फ्रैक्शनल आप कह सकते हो 1/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, इस तरीके से ऑर्डर आ रहे हैं तो आप सोच लीजिए वो स्पीसीज या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा बट अनस्टेबल होगा। ठीक है, वो स्पीसीज मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगी लेकिन अनस्टेबल होगी। सिंपल सी बात है, आपको बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला समझ में आ गया, आपको बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होंगे, मैंने एग्जांपल भी दे दिए। अब बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी से कैसे रिलेटेड है वो भी आप देख लीजिए।
यहां पर बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जिसको आप BDE कह सकते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम बॉन्ड एनर्जी भी है। तो सिंपल सी बात है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, कम रिएक्टिव होगा। तो आप इसमें एक और बात कह सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपने यहां पर दो रिलेशन ये पढ़ लिए। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब इसका सिंपल सी मतलब यही है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी में बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो अब ये जो तीन आपको बताए गए हैं, इनका यूज क्या है? जैसे आपको N2 N2 प्लस, N2 माइनस, N2 2 माइनस, ये दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनको बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में लगाइए, थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लगाइए या बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में लगाइए। तो आपकी ड्यूटी सबसे पहले ये है कि आप सभी का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और फिर उसके बाद उस इन फॉर्मूले को यूज करके आप उनके ऑर्डर बना देंगे। इसका जो मैंने लिखा है N2 N2 प्लस N2 माइनस N2 2 माइनस, इनका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देखें और आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस इन तीन फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।